गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इसके पहले के वीडियो में हमने विद्यार्थी समास के बारे में जाना, समास का विग्रह करके उसके भेदों के बारे में जाना, वो दो अंक थे। इस वीडियो में विद्यार्थी हम पुनः समास का पुनरावर्तन कर रहे हैं। इसमें हम समास विग्रह दिया गया है उसको हमें क्या बनाना है, समस्त पद बनाना। क्या बनाना है? समस्त पद। तो हो जाए नाम में वास, तो पर्स क्या शब्द बनेगा, स्वर्ग में वास, या ग्राम में वास, ग्राम वास, जैसे स्वर्ग में वास क्या होगा, स्वर्ग वास। इसका भेद होगा तत्पुरुष समास। महान है आत्मा जिसकी, किसी तीसरे व्यक्ति ऋषि मुनि के लिए कहा गया, सब बनेगा महात्मा। और भेद हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। नया है योगी, नया योगी शब्द उत्तर नौ, नौ ज्ञान क्या रहेगा, नौगी। तो है जो लगा है तो वह कौन सा अलग बन जाती, कर्म धारण, कर्म धारण समास। युद्ध का क्षेत्र का बता देंगे, क्या शब्द बनेगा, युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। भेद हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। घी और शक्कर, घी और शक्कर, और जो है वह दो पदों को अलग किया है, तो इसमें होता है द्वंद में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। राजा की आज्ञा, शब्द क्या बनेगा, राजाज्ञा, राजाज्ञा। भेद क्या होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरों का उपकार, दूसरों के लिए शब्द होता है पर, क्या आ जाएगा, परोपकार, परोपकार। परोपकार के लिए अर्थों का है वो भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। सत सात सौ दोनों का समाह, सात सौ दोहे, तो ये तीसरा लेसन हम बिहारी का जब दोहा पढ़ेंगे तो उसमें इसका इस साल तो निकल गया, उसके बिहारी के जो सात सौ दोहे हैं उसको कहा जाता है सत सही। सत सही नंबर है, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, द्विगु। यहां विद्यार्थी हमने ससई का मतलब होता है सात सौ दोहों का समार्थ। बिहारी ने एक ही पुस्तक लिखी जिसको ससई कहा गया, जो सात सौ दोहे उसमें समाहित। तो विद्यार्थी यहां हमने देखा समस्त पद बनाकर दो समास के भेद लिखना। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा जो दो अंक के होंगे। इस प्रकार आप अभ्यास कार्य करते रहे, आपके पुस्तकों में बहुत सारे अभ्यास कार्य हैं, तो हम इसी प्रकार के पुनरावृत्ति को देखते रहेंगे। धन्यवाद।